दोस्तों टीवी पर बिग बॉस 15 की शुरुआत हो चुकी है। पहला वीकेंड का वॉर भी हो गया है, यानी एक हफ्ता लगभग जो है बिग बॉस को शुरू हुए हो चुका है। पहले वीकेंड के वॉर में सलमान खान ने पहले प्यार किया, दुलार किया और उसके बाद फिर फटकार भी लगाई। लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद खुद सलमान खान सोशल मीडिया पर फैंस के निशाने पर आ गए। अगर आपने कल वीकेंड का वॉर का एपिसोड देखा होगा, इस एपिसोड में सलमान खान ने शो के कंटेस्टेंट प्रतीक सहजपाल को बहुत ही बुरी तरीके से डांट लगाई है। सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल के एग्रेशन को लेकर के, उनके तौर तरीकों को लेकर के और जिस तरह से टास्क के दौरान जब लड़कियां शो की दो कंटेस्टेंट लड़कियां बाथरूम में बंद थी और तब जिस तरह से प्रतीक सहजपाल ने बाथरूम का दरवाजा खोलने की कोशिश की और वहां पर ये कहा कि अगर उनकी माँ बहन, यानी प्रतीक सहजपाल ने उस दौरान ये कहा था कि अगर मेरी माँ बहन भी इस वक्त होती तो मैं उनके साथ भी ऐसा ही करता, क्योंकि ये टास्क चल रहा है और मैं टास्क जीतने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सलमान खान का गुस्सा इसी बात पर भड़का। सलमान खान ने वीकेंड का वॉर एपिसोड में पहले तो बड़े ही प्यार से शुरुआत की तेजस्वी प्रकाश से, विशाल कटियाना से, इन सबसे पहले पूछा कि भाई एक हफ्ते में क्या क्या हुआ, करण कुंद्रा से बात की, जय भानुशाली से बात की। लेकिन जैसे ही सलमान प्रतीक सहजपाल पर आए, उन्होंने एक तरीके से प्रतीक सहजपाल को ना सिर्फ डांट लगाई बल्कि उनको उनके भविष्य के लिए भी काफी कुछ बुरा भला कह दिया। सलमान ने कहा क्या, सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल से कहा कि आप जिस तरीके से कर रहे हैं आप यहीं रह जाएंगे, इसी शो में रह जाएंगे और इसी तरह कुछ एक रियलिटी शोज कर लेंगे और यही आपका करियर रहेगा। लेकिन सलमान ने इसके साथ कुछ एक ऐसी बात कर दी जिसे कहीं से भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। सलमान खान ने प्रतीक सहजपाल और, चूंकि प्रतीक सहजपाल और जय भानुशाली के बीच पहले ही एक बार गाली गलौज वाली स्थिति आ चुकी थी, पिछले हफ्ते हमने ये चीज देखी है। इसके बाद जब सलमान प्रतीक को समझा रहे थे और फटकार रहे थे, तब सलमान ने खुद प्रतीक सहजपाल को माँ की गाली दे दी। यही वो बात है जिसको लेकर के सोशल मीडिया पर फैंस दो हिस्सों में बट गए हैं। फैंस सलमान खान को कोस भी रहे हैं कि उनको माँ बहन की गाली का इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये सही भी है। अगर सलमान खुद कल के शो में जय भानुशाली से ये कह रहे थे कि तुम अगर गालियां दोगे, जैसा तुम दिखते हो ये तुम्हारी इमेज बाहर दिखेगी और ये अच्छा नहीं लगता, सलमान ने जय भानुशाली को यहां तक सलाह दी कि अगर तुमसे कोई भिड़ता है, तुमसे गाली गलौज करता है तो हाथ ऊपर खड़े कर दो या फिर हाथ पीछे कर लो। लेकिन सलमान ने खुद क्या किया, सलमान ने खुद भी वही किया। प्रतीक की गालियों के जवाब में उन्हें समझाते हुए सलमान ने भी गाली दे दी। खास बात यह है कि इस पर ना सिर्फ प्रतीक सहजपाल के फैंस बल्कि बिग बॉस के फैंस भी सलमान को कोस रहे हैं। और तो और बिग बॉस की एक्स कंटेस्टेंट गौहर खान ने भी एक के बाद एक कई ट्वीट्स करके कहीं ना कहीं खुले तौर पर, तो जाहिर तौर पर सलमान के लिए कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहती, लेकिन उन्होंने सलमान खान को कोसा है और यही कहा कि टेक्निकली वो दरवाज़ा अंदर से खुल ही नहीं, चूंकि वो दरवाज़ा अंदर से बनता है इसलिए बाहर से खुल ही नहीं सकता था। तो फिलहाल यही है कि सलमान खान को काफी ट्रोल किया जा रहा है, कोसा जा रहा है और हम भी यही कहेंगे कि सलमान खान ने जो किया वो गलत किया, सलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए। एक और चीज जो हम सभी के लिए यहाँ पर गौर करने वाली है कि ग्रैंड प्रीमियर के एपिसोड से ही सलमान खान कहीं ना कहीं प्रतीक सहजपाल से थोड़े रूखे नजर आ रहे हैं। ग्रैंड प्रीमियर एपिसोड में सलमान खान ने एक तरह, जब वो प्रतीक सहजपाल से बात करने वाले थे, उससे ठीक पहले कैमरे की तरफ फेस करके यहाँ तक कहा था कि बिग बॉस OTT अगर आपने देखा है तो वहाँ बहुत कुछ हुआ और वो उसके लिए माफी मांगते हैं और उसकी भरपाई वो बिग बॉस 15 में करेंगे। और कहीं ना कहीं सलमान खान ने पहले वीकेंड के वॉर एपिसोड में यही किया। तो क्या ये भी सवाल उठता है कि क्या सलमान खान प्रतीक सहजपाल को लेकर के पहले ही कुछ प्रेजुडिसेस लेकर के बैठे हैं, क्या उनके मन में प्रतीक पहले दिन से खटक रहे हैं? और अगर ऐसा है तो एक होस्ट के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर सलमान को ऐसा नहीं करना चाहिए। वो प्रतीक कुछ भी है, अभी युवा है, उनके मानते हैं कि उनके अंदर एग्रेशन है, उनके काम करने का तरीका गलत है, वो जिस तरीके से टीज करते हैं, पोक करते हैं, वो गलत है। लेकिन उसे आप गाली का जवाब गाली कभी नहीं हो सकता, और सलमान को ये चीज़ समझना होगा। अगर नहीं समझते हैं तो हो सकता है कि आगे वो और भी ट्रोलिंग के शिकार होंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। बिग बॉस के और भी ज़्यादा अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए, पढ़ते रहिए नवभारत टाइम्स।